आज हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में एक टेक्निकल गुरु बैठा है, जो आपको ना सिर्फ सुझाव देता है बल्कि आपके खरीदने की आदतों पर भी असर डालता है। लेकिन इतने सारे टेक्निकल गुरु होने के बाद भी स्वयं मैं, साक्षात मैं हिमांशु शुक्ला यहाँ आया हूँ ये बताने आपको कि 5G क्या होता है। ये जरूरत मैं आज कर रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं जानना कि 5G क्या होता है तो इस वीडियो को पूरा देखें। 4G जो नेटवर्क है, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ये नेटवर्क 3G की तरह वायर्स के थ्रू काम करता है, वायर्स के ज़रिए ये नेटवर्क काम करता है। पर 5G जो है ये क्लाउड सर्विस के ज़रिए काम करेगा, जिसके कारण कहा जा रहा है कि इसकी क्षमता 4G से 100 गुना तक ज़्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर जो मूवी 3G नेटवर्क पर 25 से 26 घंटे लेती है डाउनलोडिंग में, वो समय 4G ने कम करके 6 से 7 मिनट कर दिया था, और यही समय 5G पर कम होके 4 से 5 सेकंड हो जाएगा। ये तो बात हो गई स्पीड की, अब बात करते हैं रिस्पांस टाइम की। 4G के मुकाबले 5G में रिस्पांस टाइम में भारी कमी आएगी। जो रिस्पांस टाइम 4G का 0.5 सेकंड्स था, ये कम होके अब 0.01 सेकंड हो जाएगा, यानी कि पलक झपकाने से भी तेज़। कहा जा रहा है ये रिस्पांस टाइम 4G से 400 गुना तेज़ है। अब सवाल उठता है कि रिस्पांस टाइम क्या होता है, तो रिस्पांस टाइम को यूँ समझें कि जब आप किसी भी सर्च इंजन पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं, तो उसके अपने सर्वर से उस चीज़ को आपकी स्क्रीन तक डिस्प्ले करने का जो टाइम होता है उसको रिस्पांस टाइम कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, 5G क्लाउड सर्विस के ज़रिए काम करेगा, इसके लिए सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी कॉस्ट। हालांकि अमेरिका के एक सर्विस प्रोवाइडर AT&T ने दावा किया है कि वह जल्द ही अमेरिका के कुछ चुनिंदा शहरों में 5G की सर्विस लोगों को मुहैया करा देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 5G के आने में अभी समय है, थोड़ा नहीं काफ़ी समय है, पर 5G आ रहा है। लेकिन जब ये आएगा तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए जनाब।